The panelists for this session are Saman Shamsie, Rumana Husain, and Fauzia Manila, with Amra Alam acting as moderator. I will take this opportunity to give you a brief introduction of the moderator. Amra Alam is a children's author. She has authored over 80 storybooks in Urdu for children of all ages. She has also written and translated numerous stories for publication in India, many of which have been translated into various regional languages. This was a brief introduction of our moderator, and now over to you, ma'am. Hello. ये आवाज़ आ रही है मेरी जी थैंक यू मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय पैनलिस्ट हियर समन शमसी अ वंडरफुल राइटर अ चिल्ड्रंस राइटर एंड शी हैज़ रिटन टू मोस्ट ब्यूटिफुल बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड इनफैक्ट आई अप्रिशिएट द पीपल हु राइट फॉर चिल्ड्रन एंड आई रियली थिंक दैट वी आर डूइंग अ ग्रेट वर्क बाय राइटिंग फॉर चिल्ड्रन देयर आर सो little work in Pakistan done for children. And Rumana Husain, a very good friend of mine, she has, I consider her the best author in Pakistan for children. Yes, because jo log bachchon ke liye kaam karte hain aur sirf bachchon ko sochte hain, bachchon ke liye karte hain, unka bahut ehtram mere dil mein hai. Rumana ka ek bahut achhi si khabar ye hai ki Rumana ko kal ek award se nawaza gaya hai. Nepal Children's फेस्टिवल ने एक किताब है इनकी उसका नाम है प्रीराना एंड लाल पीला और उसको अवार्ड मिला है रुमाना उसके बारे में खुद बताएंगी फौजिया मिनल्ला मुझे मुंह इसकी तरफ रखना है सॉरी फॉर दैट फौजिया की 7 किताबें आ चुकी हैं और फौजिया जो हैं इलस्ट्रेटर भी हैं और साथ में ये कार्टूनिस्ट भी हैं और इनकी जो मुझे सबसे खूबसूरत कहानियाँ लगती हैं वो अमाई की कहानियाँ हैं इन्होंने भी बच्चों के लिए लिखा है लेकिन मैं इन सब का एहतराम इनकी इज़्ज़त इसलिए ज़्यादा करती हूँ कि ये बच्चों के ऑथर्स हैं बड़ों के लिए लिखना बहुत आसान है बच्चों के लिए लिखना उनके लेवल पे ऊंचा जाना मैं हमेशा ये कहती हूँ बच्चों के लिए यू हैव टू गो अप फॉर राइटिंग आवर ओन एज इट्स ईजियर बिकॉज जो हमारे जी में आ रहा है हम वो लिख रहे हैं हमें कोई रोकने वाला नहीं है जब बच्चों के लिए लिखते हैं तो वी हैव टू बी मोर कॉशियस वी हैव टू बी मोर पर्टिकुलर एक एक लफ्ज़ चुनना पड़ता है लिखने से पहले कि क्या सही है क्या गलत है इवन अ पैराग्राफ व्हेन यू राइट अ पैराग्राफ इट टेक्स वीक्स एंड वीक्स टू करेक्ट इट सो मैनी टाइम्स टू मेक इट अ रीडेबल आइटम इट्स नॉट दैट ईजी मैं हमेशा कहती हूँ कि लिखते लिखते सीखोगे बच्चों के लिए लिखना खेल नहीं है लिखते लिखते सीखोगे तो वही बात हमारे ऑथर्स की है दे हैव प्रेसिशन इन दीज सब्जेक्ट्स एंड आई वुड लव टू अब आप ये मुझे प्लीज़ ये बताइए जो हमारा आज का टॉपिक है चिल्ड्रंस लिटरेचर इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले व्हाट डू यू थिंक रुमाना अबाउट इट थैंक यू आमरा एक तो आपने इतना बढ़ा चढ़ा के जो नहीं इसमें कुछ शुभाई नहीं शुक्रिया देखिए इनफैक्ट जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने मुझे बताया था कि एक सेशन हम रख रहे हैं जो मैं चाहती थी बहुत अरसे से कि लिटरेचर फेस्टिवल में बच्चों के लिटरेचर की भी बात होनी चाहिए सो यू नो दे आस्क्ड मी व्हाट दिस सेशन शुड बी कॉल्ड एंड आई सजेस्टेड दिस टाइटल बिकॉज आई रियली थिंक दैट दैट इज़ a big challenge because it is no child's play you like you said yourself right now that you know when you are writing for adults as adults we know what to write or at least we think we know but when you are writing for a child that readership I mean that level the age group so you have to go down to that level go down in the sense of I consider the age. Go up to that no, level. I mean the age. You obviously, yes. you know, you have to think in terms of the child. Yes. So, ये जो आपने पूछा, देखिए एक तरह से by default बच्चों के writer मैं अपने लिए कह सकती हूँ
कि आज से 25 साल पहले बाय डिफॉल्ट ही बन गई, इसलिए कि जब व्हेन आई को फाउंडेड द बुक ग्रुप द होल थिंग यू नो अबाउट उर्दू बुक्स फॉर चिल्ड्रन के नहीं हैं मुल्क में, अच्छी किताबें नहीं हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं बच्चे वही पढ़ते हैं, या जो कुछ मैगज़ीन जो बरसों से निकल रहे हैं तालीम व तरबियत या नौनिहाल या फिर ओसन्स ने जो किताबें छापी थी बच्चों की, लेकिन बहुत सारी किताबें वो टार्जन की वापसी है और फला है और उस पैराए में जो थी, लेकिन हम चाह रहे थे कि कंटेम्प्रेरी बातें हों और ऐसी बातें हों कि जो आज का बच्चा जिसको समझकर और जिस दुनिया में वो रह रहा है उसके हवाले से हो. सो यू नो लाइक आई सेड सिंस आई को फाउंडेड दैट बाय डिफॉल्ट आई बिकेम चिल्ड्रंस राइटर बिकॉज द फर्स्ट बुक was co-authored too, and I ended up doing the illustrations because you know my background is in art. Rumana, so, you think it's easier for a writer to illustrate their own books, or you for me others to be? Well, since I have illustrated several of my own books, of course, I think it is easier in the sense that when you write, and if you are an, if you are, you know, if you have an art background, then you can always visualize. You know what you want the story to look like, what each page should look like, and I think that is why I and even in the illustrations I wanted to experiment. So sometimes I would use different mediums. I have used fabric applique to do my illustrations. I have used children as actors to you know through photography. I have done that. एक किताब थी चूहा फिरे आड़ी बाड़ी, इसमें जी बच्चे इस्तेमाल हुए हैं. अभी जो चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल की जो पहली किताब है, पहला पब्लिकेशन उसका जो लैला और मुन्नी गुड़िया जो यूपी ने छापी है, वो भी उसमें भी आई यूज लैला एज अ रियल यू नो गर्ल एंड आई टुक हर अराउंड कराची एंड शॉट हर. सो एंड आई हैव यूज्ड लाइक आई सेड वाटर कलर्स और पोस्टर कलर्स और क्रेयॉन्स और मार्कर्स और पेंसिल कलर्स और डिफरेंट चीज़ें. लेकिन ये करते करते जो आपने पहले शुरू बात कही वो यही हुआ कि हम उस चीज को जब करने लगे और लिखने लगे और बेतहाशा लिखने लगे तो वो करते करते हमें भी समझ में आया कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए. लेकिन मैं यानी ये मॉडेस्टी में नहीं कह रही, लेकिन मेरा अभी ये ख्याल है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कहीं दूर हैं अब तक पाकिस्तान में बच्चों के लिए. एक और बहस है यकीनन वो. अच्छा, मेरी एक शिकायत है समन शमसी से कि मेरे बचपन में आप क्यों नहीं पैदा हुई थी. इसलिए मुझे एक ऐसी फिजिक्स की टीचर चाहिए थी जो कि तुम्हारी कहानी की है. नहीं नहीं, ये फिजिक्स की है, ये फिजिक्स की है. क्योंकि फिजिक्स की टीचर स्टोरी राइटर बन जाए बहुत ही अजीब बात है. काश के मुझे भी मिली होती. मैं एजमेटिक हूँ और मेरे एजमेटिक होने की वजह मेरी फिजिक्स टीचर है बाई द वे. तो अगर तुम जैसी टीचर मुझे मिल जाती तो मैं ज़्यादा बेहतर तरह फिजिक्स सीख सकती और शायद मेरे नंबर भी अच्छे आ जाते और हो सकता मैं इंजीनियर होती. जी, अ बिग लॉस फॉर चिल्ड्रन. व्हाट विल यू से अबाउट इट? हाउ कम यू बिकेम अ राइटर? अ राइटर, आई थिंक राइटिंग हैज बीन वेरी मच पार्ट ऑफ माई फैमिली, बट एक्चुअली इट वॉज इन स्कूल दैट आई गॉट द आइडिया ऑफ राइटिंग अ स्टोरी. ग्रेट. देयर इज अ टाइम इन स्कूल व्हेन द स्टूडेंट्स आर ऑल डूइंग द एग्जाम्स एंड द टीचर्स आर हैव टाइम अ लिटिल टाइम टू देमसेल्व्स, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड व्हाई डोंट यू राइट अ स्टोरी एंड इलस्ट्रेट इट, एंड अनदर फ्रेंड ऑफ माइन वाज एक्सपेक्टिंग अ बेबी एंड आई सेड व्हाई डोंट आई राइट अ स्टोरी एज अ प्रेजेंट फॉर यू फॉर व्हेन योर बेबी इज बॉर्न. सो दैट डेडलाइन वाज सेट. And I started writing a story, The Adventures of Slothful Slough Off. That's how it started. It's a story which is... It's a beautiful story, by the way. Yes, thank you.
story of blue snake, yes. Of a blue snake, yeah. Yes. Yeah. There are three stories in that. Mm-hmm. And the first story was written while I was in school, mm-hmm. while I was waiting for my students to turn in their papers mm-hmm. between mm-hmm. the teaching and correction. Mm-hmm. So it was actually, I came home one day and I said, I think I'm going to write a story. And my sister was sitting there and she said, yes, I think you should. Mm-hmm. And I just said, we were talking and the word slough off came up. And I said, I like that word. Yes. I think I'm going to name it's a snake. It's very rhythmic also. Yes, I think yeah. I'm going to name it. It's a good name yes. for a snake. Yeah. And I named my snake Slothful Slough Off. And I just sat down mm-hmm. and I started writing mm-hmm. and I didn't expect it to go anywhere. Mm-hmm. And then the idea started coming mm-hmm. and I just ended up writing the story right. and then I illustrated it also for my friend. Great. Mm-hmm. And then, but that was in 2003 or 2002, I'm not sure. It was in 2010 it was actually published. It took a long time between me actually writing it mm-hmm. and having the courage to actually show it to a publisher. No, these are not my illustrations. I showed the illustrations. I gave them. I showed them to OUP, and they worked mm-hmm. with my ideas a bit. So there is some of them are similar to my illustrations. Some of them are completely different. Mm-hmm. But I just felt. I didn't feel as confident about my illustrations as I did about my writing. So I was not so. So I didn't actually do the illustrations for the final books. That is the sign that you are going to excel in that area also. You are not satisfied, that's a good sign. Yes. Achha, ab ek kya, main Fauzia tumse kaise baat karu? Isko main bilkul haan. Hello, awaaz aa rahi hai? Ji. Fauzia, Amai ki creator, my favorite stories. How come you develop Amai and what does it tell to the children? Just tell to the audience first, then I will talk about Amai more. Thank you very much, Amra. First of all, before I talk about Amai, mm-hmm. I would like to mention that my very first book for children was when I was a child myself. Oh. I was 18 and it was a Pakistani paper doll. So mm-hmm. it wasn't a story, but it was a paper doll with all the Pakistani dresses and that was years ago. Zarina, right? Zarina. And then when I came back from my studies, uh-huh. I went to this art school in America, and when mm-hmm. I came back, I wanted to do something for children. So where is Zarina nowadays? Zarina is now, OUP has published... it's changed, like, you mm-hmm. know, the character is changed. Zarina is no more there. Oh. It's Bano. Mm-hmm. And she has Billu with her this time. But nobody and has right to change Amai. The name. Yes, but now, you know, I wanted to have a boy there. Also. Oh, that's there. Bela has that. Bela has the book. And Tapping. And Amai is also here. Then I went to study mm-hmm. in America. When I came back, I wanted to do something for children. So mm-hmm. I started this column in Nation mm-hmm. for children. It was Babai and Friends. Oh. I'm called Babai at home. Mm-hmm. But you know, I did that for 2 years and not a single parent, you know, I met mm-hmm. Who would come to me and tell me that, you know, what you're doing is good for, mm-hmm. You know, my children. Have read it, so I just gave that up. But then it was really, it's a cliche, but mm-hmm. it was after mm-hmm. 9/11, 2001, and my children were like 6 and 4. Mm-hmm. And this whole thing about, you know, the stereotype mm-hmm. has been created in the world. Yes. I was very worried that I have 2 sons, 2 boys, and mm-hmm. they are brown, they are Muslim. Yes, yes. And you know, I wanted to become this Amai, this mm-hmm. shooting star, mm-hmm, mm-hmm. and take them to a world where, you know, they learn about friendships with other children, they learn about respecting nature, they learn about respecting little things in the world, like insects and flowers. So I think you are Zarina and you are now Amai. I think Amai yes. is the mother instinct. Mother instinct, yes. And Amai, we used to call my mother Amai. Uh-huh. And Amai loves children mm-hmm. like mm-hmm. a mother. Mm-hmm. And, you know, I don't want to be preachy.
I want to play with children. So that's why I made this cartoon character. She's a tiny little bird, but she can magically turn into a shooting star and take children on different adventures. सबसे मजे की बात तो यही है कि आप मैसेज दो भी तो बैकडोर से दो. थोपना जो है ना किसी भी मैसेज को या सामान को ना, बच्चे इससे भाग जाते हैं. भाग जाते हैं बिल्कुल. और किसी भी अच्छी किताब की पहचान यही है कि आप किताब पढ़ लो, पढ़ने के बाद पता लगा अच्छा हमने तो ये भी पढ़ लिया, हमने तो वो भी पढ़ लिया. और मेरे ख्याल से तुम्हारी किताबों की ये क्वालिटी भी है साथ साथ. मेरे ख्याल में अगर आप, जैसे पुरानी कहावत है, आप जो खाते हैं वो आप बन जाते हैं, मेरे ख्याल से जो आप पढ़ते हैं वो भी बन जाते हैं. तो हमारे यहाँ जो आजकल कल्चर चेंज हो रहा है, जिस तरह से किताबों का मायार गिर रहा है, मुझे लगता है हमारे जैसे, मैं अपने आप को नहीं शामिल करूँगी इसमें क्योंकि फ़िलहाल आप तीनों की बात हो रही है, मेरे ख्याल से आप तीनों जिस तरह से लिख रहे हैं, बच्चे वो बन जाएंगे जो हम उनको बनाना चाहते हैं. और जो आजकल वो बन रहे हैं, खुदा करे कि वो ना बने, उनमें चेंज आए. और चेंज लाने के लिए आप लोग कारीगर हैं उसके. हैट्स ऑफ टू यू, ऑल थ्री ऑफ यू. थैंक यू. रुमाना आप बताइए. जी, राना का पूछ रही थी जी, आप उस किताब का मुझसे पूछ रही थी. रुमाना के पास कल एक खबर आई है. जी जी, रुमाना को अवार्ड मिला है नेपाल में. मैं चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल ने उनको दिया है. कोई दो साल पहले एक नेपाल में काठमांडू में इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल हुआ था, तो जिसमें हमारे पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं अदीलु ज़फ़र, और वो मेरे साथ कई किताबों पे पहले काम कर चुके हैं. इलस्ट्रेशंस मेरी किताबों की वो कर चुके हैं. तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं इसमें जो थीम है उस आर्ट फेस्टिवल में वो एनवायरनमेंट है, और मैं चाह रहा हूँ कि आप कहानी लिखें, बल्कि आप अगर किसी नेपाली ऑथर के साथ कोलैबोरेट करें तो मैं इसको तीन जुबानों में चाह रहा हूँ. आप उर्दू और इंग्लिश में दोनों में लिखती हैं, तो आप दोनों में लिखें, वो नेपाली में लिखेंगे, मगर आप लोगों की मिली जुली कहानी हो और मैं उसको इलस्ट्रेट करूँगा. एंड दैट विल बी माई एंट्री फॉर द आर्ट फेस्टिवल, अ चिल्ड्रंस बुक. सो यू नो then I was put in touch with this author from Nepal. उनका नाम है बुद्धि सागर. और बुद्धि ने apparently बच्चों के लिए नहीं काम किया था, लेकिन उनके एक novel को भी award मिल चुका था पहले. और बुद्धि और मैंने Skype पे बात करनी शुरू की और यू नो कहानी को develop करना शुरू किया. और एक बच्ची है प्रीराना, और एक परिंदा है. प्रीराना का मतलब क्या है? प्रीराना उन्होंने क्योंकि हम शुरू करना चाह रहे थे कहानी नेपाल से और आना चाह रहे थे पाकिस्तान में, तो इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ जो नाम ऐसे अगर हैं कोई, तो उन्होंने प्रीराना वो नाम है बच्ची का. अच्छा. तो नाम सजेस्ट किया था, और मैंने सोचा था कि अगर कभी ये पाकिस्तान में छपी तो उसका परीराना कर देंगे हम नाम. और लाल पीला मैंने सजेस्ट किया था, उस परिंदे का नाम. बहरहाल तो वो उस तरह की कहानी है, लेकिन है नेचर से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और दोस्ती मेन जो उसका जो उसकी जो थीम है वो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, और कैसे एक दूसरे के दिल की आंख से हम कैसे दुनिया को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. तो ये कहानी थी. बहरहाल कल रात को मुझे ईमेल मिला, जो कथालिया पब्लिकेशंस वहाँ पर काठमांडू में उन साहब का जो जिनका वो पब्लिशिंग हाउस है, उनका ईमेल आया था हम तीनों को, मुझे और बुद्धि को और अदील को, कि इसको चिल्ड्रंस नेपाल की चिल्ड्रंस लिटरेचर सोसाइटी है, फेस्टिवल नहीं, नेपाल चिल्ड्रंस लिटरेचर सोसाइटी, तो बेस्ट बुक का फॉर 8 इयर्स एंड अबव उसको अवार्ड मिला है. तो इट वाज ऑब्वियसली अ वेरी हैप्पी थिंग टू लर्न एट यू नो कि हम लिटरेचर फेस्टिवल में हैं. आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट दिस न्यूज़ फ्रॉम यू, क्योंकि इनका कमरा नहीं है. तो
और क्योंकि अब चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल है राउंड द कॉर्नर फर्स्ट सेकंड थर्ड मई को, तो क्या हम लोग वो कहानी वहाँ पढ़ सकेंगे चिल्ड्रंस फेस्टिवल में? मैं ले आऊंगी बिल्कुल, आई कैन डू दैट। समन, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट नेक्स्ट? वेल, आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट अ स्टोरी। I've got a little bit of free time right now, so I have started, but I've only written a couple of pages. Please don't go back to physics anymore, please. I start teaching in August, so I've got 4 months do something creative. And the advantage of teaching is you get 2 months off in the summer, and that's actually how the Magical Woods came about. OUP had approached me about writing a second story, and I said, that was just before the summer holidays. So I was in London with my sister. She was writing, and I just went to the British Library with her. We used to sit for 3-4 hours and just write every day. I would write every day for 3-4 hours. So what do you think, what is the future of supplementary readers in Pakistan? Of supplementary readers? Like your book is a supplementary reader. Yes. If it is taught in the schools. It cannot be one of the course books. We don't write textbooks, right? Yes. We don't write textbooks. Supplementary books. I don't know, actually, because my book at the moment hasn't got into a school curriculum. So I don't know, but I think reading is very important. Yes. Especially for a young age. That's age in which you inculcate a love for reading in children. And I think especially, I just came from doing my master's in London. There's such an the whole emphasis is on literacy and numeracy, you know, that to the extent that other subjects get quite ignored at the primary level. And I think over here also there is, at least in the at the school where I will be teaching, there is a lot of emphasis on reading. So I think the need for supplementary texts and literature is, I think there's a big market for it. Or there should be, it should be encouraged, as long that is the age in which you inculcate the love for reading, and how it also at a later stage, whether you're studying physics or you're studying English literature, that skill comes in handy because it teaches you how to express yourself, read the nuances in any text you're reading. So it's a very it's for any subject you want to study, it's a very important skill. Very important. Yes. Thank you. Same question to you, Fauzia. What is the importance of supplementary readers? I can give you an example, like this book that I've done for children, Amai, Bano and Bilo. It is, although a paper doll book, but for a child who's studying Pakistan studies, you know, for that child, it makes it very, very interesting. It becomes a cushion for them. Exactly, because, you know, they through play, they discover in Sindh. This is the food that's typical Sindhi food, the dance and the clothes. And they also discover that in Sindh, in Thar, there are Hindus. And Hindus are also Pakistanis. Or Kalash is a very different religion, but they are also Pakistanis. So, you know, in this way, there is a lot that the supplementary books can add to the curriculum. I think, and it can enhance. It enhances. It makes it more the quality of reading and more interesting for children. Like the other book, Amai and the Banyan Tree, it's about environment. It's about global warming. So, in a playful way, the children learn about. असल में textbook जो है ना वो बच्चों को सिर्फ रटना सिखाती है mostly. Exactly. तो अगर ये books साथ में क्वेश्चन का काम करें तो नेचुरली ज़्यादा वाइडर हो जाएगा, थिंकिंग प्रोसेस बढ़ जाएगा, और साथ साथ बच्चों में पढ़ने की जो शौक जो है वो ज़्यादा डेवलप होगा। हमारे मुल्कों में इस बात को क्यों नहीं अहमियत दी जा रही है? अमरा, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो सबसे ज़्यादा इसको अहमियत देनी चाहिए जो बच्चों के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम जिस दौर से जा रहे हैं, इज एवरीबॉडी लिसनिंग टू अस, जो हम दौर से जा रहे हैं वो तो उसका बहुत बड़ी वजह ये है कि जो हमने बच्चों को सिखाया है, ये तो एक फैक्ट है कि अफगान वॉर जब हुई तो बच्चों के लिए कायदे इस तरह बने जिसमें को बच्चों को सिखाया गया कि जीम से जहाद, काफ से क्लाश्निकोव, और यही कायदे और यही एजुकेशन। तो वही बच्चे तो बड़े हो गए हैं अब।
अब वही बड़े हो गए और वो उसे खिलौने को कंधे पर रख के घूम रहे हैं अब बिल्कुल और फिर जो हम लोगों का ये टॉपिक है चाइल्ड्स प्ले जी बच्चों के लिए लिखना बिल्कुल भी चाइल्ड्स प्ले नहीं है ये बहुत मुश्किल एक चीज़ है क्योंकि एक तो आप उस लेवल पे जाते हैं बच्चे के लेवल पे आप उनकी साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं और फिर आप उस लेवल पे जाते हैं जहां आप देखते हैं कि भाई इस किताब से मैं क्या सिखा रहा हूं कितना जेंडर सेंसिटिव है कितना इससे उसकी माइंड को कितनी नरिशमेंट मिलती है सो चिल्ड्रन वर्किंग फॉर चिल्ड्रन इज रियली Not child's play. Not child's it play. Is definitely. Very important. Yes. But our work is not respected बिल्कुल, in Pakistan. बिल्कुल. हमारे पाकिस्तान में जो एक problem है यह है कि हम लोगों ने कहा है कि बच्चे ही तो हैं. बच्चे कुछ भी हैं. और मैं ये कहती हूँ ये बच्चे हैं. Be careful. Exactly. Yeah. There's a difference between ये बच्चे हैं. क्योंकि आप देखें हमारे मुल्क में खिलौने हमारे मुल्क में कपड़े हमारे मुल्क में किताबें जो भी कुछ बच्चों के लिए किया जाता है उस पर सबसे कम तवज्जो दी जाती है बिल्कुल ये बिल्कुल. हर जो बग़ैर पढ़ा लिखा मुल्क होता है ये उसकी पहचान होती है कि उसका लिटरेचर क्या है हम लोग अपने लिटरेचर से पहचाने जाते हैं अगर हम लोग इस पर काम नहीं करेंगे तो जो डिटोरिएशन आ रहा है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा अगर हम इसमें लगे रहे कि हमें फलां को खुश करना है हम उसके लिए लिखेंगे तो काम नहीं बनेगा हमें बच्चों के लिए ही लिखना है और बच्चों के लिए लिखने के लिए आपको खुद भी बहुत समझदार सा बच्चा बन जाना है यस रुमाना योर टर्न क्या सवाल द सेम क्वेश्चन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू राइट फॉर चिल्ड्रन मेरे एक नहीं सॉरी मेरा एक सवाल आपसे और भी है हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हम खाने को आँखों से खाते हैं उसकी शक्ल देखते हैं उसकी खुशबू सूंघते हैं फिर हमें भूख लगती है हमारे यहाँ किताबों में ये बात क्यों नहीं है किताबें उतनी खूबसूरत क्यों नहीं है ताकि बच्चे खुद ब खुद उस किताब को उठाएं जी देखिए मेरे ख़्याल से पिछले 20-25 साल में यकीनन बच्चों के किताबें जो पब्लिश हुई हैं वो बेहतर हुई हैं ठीक है लेकिन मेरा सिर्फ जो पहले भी मैं बात कर रही थी मेरा सिर्फ कहना ये है कि अभी भी गैप है जो आप क्वालिटी बाहर की किताबों की देखें और उसमें न सिर्फ ये कि जो आप बात कर रही हैं कि जाज़िब नज़र हों दे शुड बी अट्रैक्टिव टू लुक एट आई मीन चिल्ड्रन शुड बी पुल टूवर्ड्स दोज बुक्स बट यू नो एवरीथिंग मैटर्स द पेपर इट इज़ प्रिंटेड ऑन द बाइंडिंग द एंड ऑफ कोर्स द इलस्ट्रेशंस द लेआउट to think out of the box, to be experimental, to be innovative, to just, you know, move from stereotypes. There is so much out there that one can incorporate, but a very important player in this is also the publisher, you know. What he accepts. I mean, Sri Rana and Lal Pila, for example, the book, my book that got an award last night, was rejected by a local publisher. Well, a local publisher. But what I am saying is that, you know, so that these are the kinds of problems that one runs into because you have to, the entire team, it's teamwork. I mean, there is the author, but if, right now, for the last 2 years, I've been given so many books to write for children. I've been working for Oxford University Press and I think I have written about 20 books in the last 2 years. Mm-hmm. But the thing is that, therefore I'm not getting the time to illustrate my own books, which I used to do and enjoy doing. But it is teamwork. You need the writer, the illustrator, the layout, the design, the printer, the editor, you know. So everything is important. And unless these links are strong, unless everybody is on board, unless they are all looking at different books that are published around the world and they see that quality and then they are aspiring to, you know, reach somewhere close to it, I think it's, so that is why it is I totally agree. Yeah. Thinking out of the box, how much you believe in that?
Yes, I think you do need to think a little out of the box, just in the sense of to try and make something creative, make it different so that it stands out. Why it is important? My question is, why it is important to think out of the box? I think by thinking out of the box, you make your work more individualistic. Yeah. Try not to follow a formula that others have followed, because otherwise it will... you can get inspiration from other pieces, but I think for your work to, if you want it to stand on its own in a way, I certainly do read, do a lot of reading, and I might have certain ideas or themes coming through, like I think the theme of friendship is very strong in my stories. Yes. And there is always a slightly depressive element in my stories, but there's always a sort of a sense of upliftment or of hope, and it always ends optimistically. So I think for I like getting themes from other stories, but I don't like having a prescribed formula. I feel like, especially times keep changing, the sort of stories we read before, the perfect girl, finding the perfect prince. Why should we be perfect all the time? Yes, why should we have that sort of, you know, you need to start thinking a little bit about how modern times have changed right. also. So. But also, I mean, even if you look at younger stories, I mean, when I look at stories for children, I think one of them was the Philip Pullman stories where you have Lyra. She's a very independent young girl. And I think that's what I liked about these books, was this independence of this young girl. And all my stories, I think, whether it's boys, girls, whether it's snakes or squirrels or an elephant, they all sort of strive to, you know, they go through their own emotional turmoil, and then they come to some kind of resolution with a little help from other people, but they have to struggle and find their own feet in a way. True. And I think that's, if you just sort of went along the same thing, that okay, the person goes, meets someone who helps them come out of their sort of situation, you would get a story which was sort of resonate with everyone, sort of a story which is familiar to all of us who grew up with sort of fairy tales. But I think it would be, I'm not saying that fairy tales are no longer something that children and all don't enjoy. Of course they do. Yes. But I think it's just by thinking a little out of the box, trying to think a little out of like, trying to make the story a little different. That's what sort of catches helps catch the imagination of of your audience. Thank you. Yes, Fauzia. Saman writes in English. In fact, her both books are English. You have written in Urdu also. So thinking out of the box, don't you think it becomes difficult for an Urdu teacher to conceptualize that idea? Because we in Pakistan have very definite type of Urdu teachers who say, nahi, nahi, ye to bachon ke liye mushkil hoga, ye hum nahi padha sakte, ye to bachon ne kabhi pehle nahi padha hai. To koi bhi cheez sochna unke liye, usse beyond jaake, jo kuch wo pehle soch chuki hain, उसकी तैयारी करवाना, नया काम की तैयारी करवाना उनके लिए यकीनन एक मारका होता है. तो what do you think about it? How can we bring them to that level that they start enjoying thinking out of the box? Amra, वैसे ये मैं आपको बता दूं कि मैंने पश्तो में भी लिखा है. Wow. क्योंकि मेरी मदर लैंग्वेज तो है ही पश्तो. और इंसान अपनी मदर लैंग्वेज में ही ख्वाब देखता है और सोचता है बिल्कुल. और फिर इंग्लिश या उर्दू आता है मेरे तो. सो यू स्पीक पश्तो इन घर में? घर में पश्तो बोलते हो? अच्छा, ग्रेट. तो जो भी जबान हो उसमें बच्चों के लिए लिखने के लिए वही है कि क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है. नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि उन टीचर्स को क्या कोई ऐसे वर्कशॉप्स होना चाहिए कि बिल्कुल जी उन टीचर्स के लिए मैं कह रही हूँ जो कि टीचर्स का भी वैसे इतना कसूर नहीं है. टीचर्स के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, लेकिन एक तबका है बच्चों का जैसे जो कि प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं वो उन बच्चों का मजाक उड़ाते हैं जो कि उनकी तरह इंग्लिश नहीं बोलते. ये आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपको ये मिलेगा. मैं मुझे अपने बच्चों से भी ये मैंने देखा हुआ है कि कोई क्लास में उनका बच्चा उर्दू सही नहीं इंग्लिश सही नहीं बोल रहा उसका मजाक उड़ाएंगे.
और फिर उसी अंग्रेजी उनकी तरह नहीं बोल रहा, सही मत कहिए क्योंकि वो भी बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या वो बच्चा सिर्फ उर्दू बोल रहा है। जी जी, और तो उसी तरह से वो टीचर जो उर्दू की टीचर है, वो बच्चे उसी तरह उन टीचर को भी सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनके सारे कार्टून, उनकी सारी जो मशहूर किताबें हैं सब अंग्रेजी में है, टेलीविजन है वो सब अंग्रेजी में है, और फिर एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। तो मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या जो कि एलीट स्कूल्स नहीं है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम टीचर ट्रेनिंग का होता है कि उनको बच्चों के साथ डील करना इतना अच्छा नहीं आता। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें मैंने ये प्रॉब्लम देखी है, दोनों जगह ये प्रॉब्लम दोनों जगह है। बिल्कुल, जहाँ तक उर्दू टीचर की बात है ना, ये प्रॉब्लम ये हमारी पाकिस्तान भर में है, पाकिस्तान भर में है। और कोई सही उर्दू बोल, अब कल मैं अपने बच्चे को लेकर आई वो दास्तान गोई सुनाने के लिए, हम बैठे और वो बच्चा हैरान, मैंने कहा दावर देखो ये लोग पूरा हॉल भरा हुआ है और ये दास्तान गो सिर्फ कितनी ज़बरदस्त उर्दू बोल रहे हैं और ये सारे ऑडियंस उसको हंस हंस के तालियां कर रहे हैं। तो उसकी भी आंखें खुल गईं कि ये भी एक चीज़ है उर्दू में इतना अप्रिशिएट करना। तो हमें अपने बच्चों को मेरे किताबों में ये होता है कि अपना पाकिस्तानी होना सेलिब्रेट करना चाहिए, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी ज़बानें हैं, उसको बच्चों में सेलिब्रेशन उसकी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसको स्प्रेड करने का तरीका बताइए, ताकि ये तो आपने सोचा, मैंने सोचा, इन दोनों ने भी सोच लिया, लेकिन इसको फैलाने का तरीका क्या होना चाहिए? पूरी दुनिया में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, अपनी जुबान से मोहब्बत हर पूरी दुनिया में सिखाई जाती है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्या तरीका है उसका? मेरे ख्याल में जब तक हमारा स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट के स्कूल्स में सिलेबस में ये चीज़ें नहीं आएंगी तो बड़ा मुश्किल है कि कोई भी चेंज। एंड द स्टैंडर्ड ऑफ बुक्स इज नॉट चेंज्ड आल्सो। और जो वो बच्चे पढ़ते हैं, जो उनका सिलेबस क्या पढ़ रहे हैं, उसमें अगर हम लोगों ने बेहतरी नहीं लाई तो वही हाल है जो कि हम लोगों का है पाकिस्तान में। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट द चिल्ड्रन आर रीडिंग इन स्कूल, जो उनकी हम लोगों ने माइंड सेट्स बना, जो हमने उन लोगों के माइंड सेट्स बना लिए हैं, जो उनको हमने सिखाया है, वही हमारे माशरे में वो इनटॉलरेंस ला रहा है कि जो हम किसी को उसकी ज़बान की वजह से, उसकी मज़हब की वजह से रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ये तो बहुत ज़रूरी है यहाँ के बच्चों पे बहुत काम। ये जो पॉइंट इन्होंने जी, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, अगर कोई सवाल जवाब हैं तो जी 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 बेला, आफ्टर 10 मिनट्स, राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये मुझे बेला चाहिए जी। रुमाना, अब हमारे पास सवाल जवाब बाद में होंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी जो इन्होंने पॉइंट डिस्कस किया है कि हमें इस प्रॉब्लम को जो हमारी, कि हम बच्चों को तो सिखाने के लिए तैयार हैं, हमारी टीचर्स उस तरह से तैयार नहीं हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, उसके लिए टीचर्स ज़ाहिर है ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। और आपको तो मालूम ही है कि जैसे चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल हम कर रहे हैं, 14 हो चुके हैं या 13 हो चुके हैं, तो टीचर्स लिटरेचर फेस्टिवल इसीलिए शुरू किया गया, तो कराची में पहला हुआ और अब हो रहा है यहाँ 1 मई को। तो सारी सोच ही वो थी ना कि जब तक टीचर्स को भी एंगेज नहीं करेंगे, जब तक उनमें भी उन को नहीं बताएंगे कि स्टोरी टेलिंग जो है वो कितनी अहम है, किताबें पढ़ना कितना अहम है, रीडिंग विथ एक्सप्रेशन कितना अहम है, क्रिएटिव राइटर बनना कितना अहम है, तो ये सारी चीज़ें हमने इसी वजह से कि लेकिन देखिए ना, CLF का जो प्लेटफॉर्म है वो तो ये काम कर रहा है, लेकिन जब तक ये सारा पूरे मुल्क में इसका फैलाव नहीं होगा, और मेरा ख़्याल है इसकी कुछ जिम्मेदारी लेते हैं चंद ऐसे पब्लिशर्स भी हैं,
जो टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स करते हैं, वो किताबें छापते हैं, करते हैं, लेकिन उनका भी ये है कि वो आमतौर पे टेक्स्ट बुक्स के लिए करवाते हैं, टेक्स्ट बुक्स के लिए है ना, तो ज़्यादा जोर जो है टेक्स्ट बुक पे ही है, क्योंकि जाहिर है उनको अपना एक वो इकोनॉमिक रीज़न होता है, वो देखना है, द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स दैट सेल दैट्स गुड बिजनेस. लेकिन हम जो समन ने भी अभी जो बात की, आपने इनसे भी पूछा सप्लीमेंट्री टेक्स्ट सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल के मुतालिक, तो उसमें बहुत एक रोल है बड़ा ऑफ द पब्लिशर्स, हाउ दे मार्केट दीज बुक्स, हाउ मच हाइप कैन दे क्रिएट अराउंड दीज बुक्स and they, you know, and market them. They are not textbooks, so they will not be on the book list mm-hmm. of each school and child and so on, so it will not bring in good business. I think it should be compulsory also. But yes. Even if each school buys one copy for the library, you know, सैकड़ों schools हैं पूरे मुल्क में, तो अगर वो एक किताब भी अपनी library के लिए, जहाँ libraries हैं, ये भी तो नहीं है ना कि हर स्कूल में लाइब्रेरी मौजूद है, तो जहाँ भी लाइब्रेरीज़ हैं अगर वो भी ख़रीद लें तो तब भी एक अच्छी बात होगी. पहला स्टेप होगा कल्चर चेंज होने में, अगर एक एक किताब खरीदने के लिए. किताबें महंगी भी होती हैं आमरा, तो इसलिए भी ये मुमकिन नहीं है कि हमारे जैसे गरीब मुल्क में वो माँ बाप जो हैं वो 100-150 रुपए की एक किताब अपने बच्चे के लिए, एक छोटी सी पतली सी कहानी की किताब खरीद के दे सकें. वॉट यू नीड इज़ रियली अ लॉट ऑफ लाइब्रेरीज ऑल ओवर द प्लेस. लास्ट 1 minute, what will you say about what Rumana said about the importance of libraries? Yes, there is a huge need for libraries over here. Yeah. Just a place where you can go and pull out books. I think it's good that schools have libraries within themselves, where they encourage children to read, where it should be compulsory for children to take out one English book and maybe one Urdu book also, so that they get a little access to both cultures. Because a lot of schools do emphasize in the English system, at least mm-hmm. on reading in English, but then Urdu becomes a secondary language. Yeah. I mean, at least for us, it was like one period, you know, was for Urdu, and that was it. All our subjects were in English, so we tended to, like with me, my English is much stronger. So that emphasis on Urdu, bringing in books, supplementary readers, bringing in locally produced books. It's very important for schools to also promote that. Mm-hmm. Publishers should also be promoting their books, taking them to schools. It would be nice if, you know, there's so many of us authors. I mean, I was called in for Book Week once. Rumana has a question. Yes. Not a question. I just remembered something, because, you know, the school where Saman teaches, mm. my children went to the same school, and when they were in the kindergarten, the vice headmistress, she was so creative that in their library, at that time, there weren't very many Urdu books. Yeah. But what she did was, she would put, she would stick a white paper on the English books and write in Urdu. And those books were given out to children. Yeah. And that was really amazing. And I remember when my son was sick with typhoid at home, he was in class 2, I think, the librarian called me and she said, he is unwell, but you can come to the school every week and take books for him. Yes. So, you know, you need such proactive people, such proactive teachers, librarians, that even like authors can be, you know, invited to schools to talk and read about their works. Yes. It's not only an author or a publisher or a stater. No, it's a combined everybody effort, has to, it should be a combined there's effort. There's the parents at home, there's a school, there's the publishers, everyone has a vested interest in students learning. I was coming to talk about problems, but we have solutions also, like Children's Literature Festival, which is going to start on May 1st. Jitne bhi media wale log hain, usko khub popular karein, taki schools aayein. Usme bahut kuch hota hai unke liye, seekhne ke liye. And I hope it grows bigger and bigger and a lot of. कल जो हमारी conference थी Children's Literature Festival की, उसको मैंने सुना है बहुत coverage मिला है अखबारों में
So most likely, Islamabadis will come and join children's CLF Hamara. And ye jo humne ye platform create kiya hai to learn more and get the habit of reading. Bachchon ke andar zyada ye habit aana chahiye. Uske liye hamara ye platform bahut kaam kar raha hai. So meri request hai sare logon se usme aaye please. Aur hame khush kar dein aake. Yeah. Any questions? Ji ji Bela, aap kuch pehle bhi puch rahi thi. नहीं आई कोई बात नहीं दबा दीजिए जी मैं मतलब इतना अच्छा लगा आप लोग सब मिलके ऑथर्स बात कर रहे हैं इतने अहम मौजू पे जिससे आने वाली नस्लों को यकीनन बहुत फायदा होगा और जरूरत भी उसकी है इस खुसूसी तौर पे इस वक्त में कि जबकि पाकिस्तान में हर चीज जो है वो बहुत ही ढलती हुई नजर आ रही है तो उसमें उम्मीद की किरण हमारे बच्चे और ये सारा जो एक सिलसिला है फ़रोग देने का लिटरेचर को अदब को शायरी को ये बहुत बड़ी बात है इससे बिल्कुल एक रूहें जाग रही हैं ये जो लिटरेचर फेस्टिवल्स हो रहे हैं चाहे बड़ों के चाहे छोटों के मेरा एक सवाल था और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं क्या हम लोग सोच रहे थे कि फेस्टिवल्स तो होते ही हैं मगर इवेंट्स हैं क्या ये मुमकिन है कि हम लोग जैसे आर्टिस्ट के इन रेजिडेंस होता है वर्कशॉप्स दस दस एक एक महीने की दस दस दिन की बारह बारह दिन की क्या हम लोग बच्चों की भी यंग ऑथर्स की इन रेजिडेंस वर्कशॉप्स कर सकते हैं और जो कि सर्दी गर्मियों में हों बेशक बारह दिन की हों मगर देखिए उससे ये होगा कि उसका आउटकम ये होगा कि बच्चे जो हैं और यंग ऑथर्स विल इमर्ज वी विल मल्टीप्लाई पीपल लाइक यू एंड अनटिल एंड अनलेस वी डोंट डू दैट देयर इजंट अ होप इन हेल And not just children, but perhaps even teachers who are wanting to write for young children. Is that possible at all? And if it were, if we were to organize it through the Children's and the Teachers Literature Festival, would there be a willingness on the part of authors to at least lead that pioneering effort? And that could then become routine across the country. Wonderful, yes. Not just in Islamabad, Karachi, but perhaps in Swat, where we had festivals, Bhawalpur, Sakhar, wherever. Because there's a desperate need. Desperate need. Bela, इसका एक आपको बड़े मज़े का एक जवाब दूँ इसमें मुझे अभी एक मदरसे ने बुलाया था वो मदरसा है वो कुछ जाम है समथिंग करके कोरंगी रोड पे है तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था कराची में कराची में जी कराची की बात कर रही हूँ जी तो वहाँ पे जो बच्चे थे वही टोपियाँ लगाए हुए स्कार्फ पहने हुए बच्चियाँ क्लास वन और क्लास टू की बच्चियाँ भी वही थी इट वॉज अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन ह्यूज तो मैंने उन बच्चों से पूछा तुम्हारा फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा पीरियड है जो तुम लोग इन्जॉय करते हो एक आध बच्चे ने अपनी मर्जी के वो बात कही जो कि उस बेचारे को कहना थी मोस्टली चिल्ड्रन सेट स्विमिंग दो चिल्ड्रन सेट स्विमिंग नहीं उनके पास स्विमिंग पूल है जी वो लड़कियों का अलग है लड़कों का अलग है सब है बट दे हैड करेज टू से दैट स्विमिंग इज देयर फेवरेट पीरियड एक आम ने कहा कि इस्लामी किताब एंड ऑल दैट इज़ ओके लेकिन बिल्कुल मुमकिन है बेला वाई नॉट जो भी काम बच्चों के बेहतरी के लिए हो फौजिया आप क्या कहेंगी बिल्कुल बिल्कुल हम लोग तो बैठे ही बच्चों हाँ, के लिए आप शुरुआत कर दीजिए हम आ जाएंगे करने के लिए एंड बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है जी थोड़े सा कुछ सजेशन और कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है एक तो ये कि ये जो टॉपिक आपने रखा है इस पर मुझे बड़ा एतराज़ है क्यों क्योंकि जो हम चाइल्ड्स प्ले कहते हैं ना ये थोड़ा सा कुछ उसको नीचा दिखाने वाली बात लगती है चिल्ड्रंस लिटरेचर इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले जबकि मैं समझती हूँ चाइल्ड्स प्ले इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इन चाइल्ड्स लाइफ क्योंकि शायद मेरा अपना बायस है मेरी आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टाइटल शायद मैं ज़्यादा इसलिए सेंसिटिव हूँ क्योंकि मेरी अपनी पीएचडी का टॉपिक जो है वो रोल ऑफ चाइल्ड्स प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट है तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि बच्चे का सबसे इम्पॉर्टेंट
काम जो है प्ले वो प्ले है द प्ले इज चाइल्ड्स वर्क. तो एक तो ये आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि इन मुहावरों को थोड़ा सा बदलें. वो मुहावरे क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, क्या खेल में टाइम जाया कर रहे हो, ये जो है ना आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा इन मुहावरों को उर्दू में भी, ये इंग्लिश का मुहावरा है चाइल्ड्स, इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का, तो इन मुहावरों को हमने बदलना है. नंबर एक बात. नंबर दो बात, ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग कि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि लिटरेरी फेस्टिवल में फर्स्ट डे आप लोगों को एक सेशन मिला और जो कि मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि ये हुआ और हम इसको अटेंड कर सके. तो उसमें मेरा सजेशन एक यही है जो आपने शायद लाइब्रेरी की बात कही वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों का मसला है. बच्चे प्रायोरिटी पे नहीं आते हैं हमारे, सप्लाई भी जितनी है उतनी भी मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों के जो अदीब हैं उनको वो मुनाफा नहीं मिल पाता जो कि एक फिल्मी रिसाला निकालने वाले लोगों को मिल जाता है मुनाफा. तो इट्स अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बोथ. कि आप लोग इसलिए नहीं लिख पाते कि ये एक फायदेमंद पेशा नहीं है, मुश्किल भी है, मुश्किल दोनों बात. चलो मुश्किल तो सारे ही होते हैं, आपको अल्लाह ने टैलेंट दिया है तो आप कर सकते हैं. जिसको कुकरी का टैलेंट है उसके लिए कुकरी भी उतने ही पैशन है, तो वो उस पर मैं नहीं जा रही हूँ. अल्लाह ने जिसको टैलेंट दिया है, लेकिन सप्लाई और डिमांड का भी मसला है ना. बच्चे अब प्राइमरी स्कूल में जाएँ, मुझे याद है कि हम सबसे पहले हम जब टेक्स्ट बुक आती थी उसमें से सारी कहानियाँ पढ़ के फारिग हो जाते थे. टेक्स्ट बुक में से, चाहे वो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हो चाहे वो उर्दू की हो. लेकिन अब लो प्रायोरिटी पे आ गया है. और एक ये वाली बात, और दूसरी वाली बात कि रीडिंग हैबिट नहीं आ रही है. अब बच्चे सारा दिन जो कार्टून्स देखते हैं दे आर फेमिलियर विद द कैरेक्टर्स बट ऑन द स्मॉल स्क्रीन. तो इसके लिए जाहिर है अगर जैसा कि बेला ने कहा कि इसकी बहुत ज़रूरत है कि वो इम्पैक्ट अगर जो बच्चा एक थोड़ी सी बात और मैं कह दूं कि मतलब मैं बड़ी खुश हूं कि इस वक्त ये जो लिटरेरी फेस्टिवल होता है इसमें जो मुझे वॉलंटियर्स नज़र आ रहे हैं ये रेड टी शर्ट्स पहने हुए जो बच्चे हैं, आई एम श्योर कि इन पर इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और इनको ज़रूर पता चल जाएगा कि हमने फलां को भी देखा था, फलां को भी देखा था, और ये इनका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस होगा. I feel so good about it. Eh? शुक्रिया. मैं ये कहने वाली थी कि हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि ये सारी कुर्सियाँ भरी हुई हैं, लेकिन आप देख लें 20 लोग बैठे हुए हैं. तो इस वजह से ही ना, क्योंकि इस चीज की इम्पोर्टेंस नहीं है. यही मैंने कहा, दोनों है, इट्स अ टू वे प्रोसेस. मेरे ख्याल से टाइम ऑफ सेशन में थोड़ा सा, हाँ, ये चलेगा, करते रहे, हिम्मत नहीं हारे, लेकिन होता रहेगा. So audience badhte rahenge, lekin agar frequently. I just want to know how many of you want to ask questions. Yes. I mean, I don't know. I'm not so pessimistic about the future of children or you know children's literature. I think there are a lot more writers coming up now. I mean, I remember when I was a kid, or jo Urdu ki jo textbooks hoti thi, wo bahut hi thaki bhi hoti thi. उनको देखने का दिल ही नहीं चाहता था. आई मीन यू नो दे वर जस्ट ब्लैंड, बोरिंग, यू नो डिज़मल. एंड देन आई रिमेंबर व्हेन आई यू नो ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड आई स्टार्टेड डूइंग सम इलस्ट्रेशंस विद अ बुक ग्रुप एक्चुअली रुमाना विच यू वर अ पार्ट. तो मतलब इतने मज़ेदार वो कहानियाँ और हम लोग जो इलस्ट्रेशंस करते थे, आई सेड वाओ यू नो आई विश आई हैड इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस क्वालिटी और यू नो स्टोरीज दैट वर दिस मच फन व्हेन आई वाज अ किड. In Urdu. But Sherbanu, you know, we are talking about maybe a couple of hundred but books. What I'm saying is maybe something like that, yeah. if that can be taken into the mainstream. So you do have that a model. You have a model of something that works. I think there is a very big market for books. Yeah. And there the thing is to tap into that market. Yes. And I think the English books, like when you, I spoke to somebody at Liberty Books who said that parents want to, they'll spend money to get a beautifully made book, a beautiful pop-up book, a book with CDs. No, I've seen it myself. He said
is that they're willing to, children want the thing. Yeah. The thing is to produce more it's and to tap mainstream into, exactly. There is a market, I think children, if they see something which is beautiful, which appeals to them, stories do appeal to them. Yes, it's they do. About reaching out to them, and I think there is much more, as Sherbano said, available than when we were young. Yes. Especially in terms of Urdu books and locally produced books. So hopefully there is like a future. There is a future, I think. I think so. But it's not one should be optimistic about it. Yes, you are Yes. Hi. Hello. Mahamad Sadek. I'm from the Express Tribune newspaper. I have three questions. So I'll make it really quick, three and whoever questions. Wants okay. to, because we're running out of time. One is I want to know the production of children's book in Pakistan, especially when it comes to regional languages. Like we were discussing that, you know, you do it in Pashto and Urdu as well. So just a little bit about, you know, when it comes to speaking to children from public schools, they're scared of English as a language and they're scared of their Urdu teacher as the character. It's like the villain in their life. So how do you change that perception? My second question is about the replacement of books with gadgets. We see a lot of children opting to hold an iPad over a book. So how do you guys look at that? And the third question would be about the madrasa literature. You took it up, but a little bit more about what kind of literature is it that they... We have time for one question from you and one question from that gentleman. We have to wrap up in 5 minutes. So one of your questions you can answer, and then we'll take one question from that gentleman. Well, in terms of gadgets, I think even on iPads, I've seen children reading stories. They know when to press the button to turn the page and things like that. So even if you find children are more attracted to gadgets, you can still, it's I think up to parents to encourage reading in, and it's a lot of stuff is available online and children can be encouraged to use gadgets to continue reading with beautiful images and things like that. So it's just another form of reading. What will they do with Ji? उनकी आंखों का क्या करेंगे जो स्क्रीन को मुस्तकिल देख देख के जो आंखें खराब होती हैं तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बुक आई कंपेयर बिटवीन द टू सो आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द बुक अ प्रॉपर बुक या प्लीज एक्चुअली विद माय चिल्ड्रन आई हैव सीन दैट डिस्पाइट ऑल दीज गैजेट्स एंड टेलीविजन एंड एवरीथिंग यू नो देर आर सीरीज ऑफ बुक्स ईच बुक इज अबाउट 600 पेजेस And you know, they are a series of 12 books or a series of 11 and they books. Read, yes. And they read it in one go. So, you know, I was really amazed that, you know, that power of a book, yes. is still there despite all those things. And look at Harry Potter. It has been. I have seen the queues in front of my eyes. In New York and in Washington. Exactly. Bachche subah 6 baje se. So that's something we have to do for our regional languages. Nahi, unhi ke do sawal hai. Regional languages mein sirf ye hai ke Sindh jo education department hai, the syllabus is in Sindhi. Yes. Most of the areas. And then in the interior of Sindh. In the interior of Sindh. And KPK also started Pashto. But the whole question is of quality books. Of supplementary reading. Of supplementary and syllabus in the hands of children and teachers. Whether it's Urdu, English, Pashto, Sindhi, but produced in Pakistan, that is quality. Okay, I'm afraid we produce at all. I'm afraid we're going. I'm going to have to be the wet blanket here. We have to now, in time to start the other session, we have to end this. So I'd like to thank all of you for attending. I'd like to thank you for a wonderful, very informative session. And for those of you who want to attend the next session, it begins at 11:15, and it is titled "Afghanistan: The Next Chapter," which will be moderated by Rasul Bakshreis, and the panelists are Rash. Shahid Rahman, Sarwar Naqvi, Tariq Usman Haider, and Najmuddin Sheikh. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.